जूनी, हमने बांधा है तेरे इश्क में हैराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूप होगी, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए? लगता है सारी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है उसका। खड़ा रहे, अब्बा ने देख लिया तो? बाबा ने देख लिया तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या हो गया? वो आपसे मिलने आए हैं, एक दफा जाकर बात तो कर ले उससे। मुझे नहीं करनी उससे बात। अगर नहीं बात करनी उससे तो जाकर कहो कि यहाँ से चला जाए, शादी का घर है, किसी ने देख लिया ना तो लोग बातें बनाएंगे। तुम उससे जाके कहो कि यहाँ से चला जाए। वो मेरे कहने से नहीं जाएगा, आपको ही जाकर उसे कहना पड़ेगा कि यहाँ से जाए। उस दिन जो कुछ भी पार्टी में हुआ उसके बाद कैसे कह दूं आज उसे कि चला जाए यहाँ से? आप उस रोहेल से सिर्फ इसीलिए शादी कर रही हैं क्योंकि हमारे अब्बा के ऊपर उसके अब्बा के एहसान है। ये मौका चला गया ना तो वापस नहीं आएगा, इसलिए प्लीज जाकर एक दफा उससे बात कर ले। क्यों आए हो सरार? चले जाओ यहाँ से, मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती यहाँ पे किसी का। सुनी, मैं चला जाऊंगा, बस तुम रोहेल से शादी मत करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकता, मुझे दर्द होता है। दर्द? दूसरों को दर्द देने वाला खुद दर्द लेना कब सीख गया? जब से तुम्हें दुख पहुंचाया है तब से। सुनी, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या होता जा रहा है। क्या ये एहसास से जुर्म है या तुम्हारी बदुआ या ये मोहब्बत है जो मुझे सुकून से जीने नहीं देती? प्लीज मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो या अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो या मेरे पास लौट आओ। तुमने देर कर दी है सलार, कल मेरी मायूं है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो जूदी, इसी की सजा मिल रही है मुझे।
जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई देख ले चले जाओ। सुनी प्लीज, सुनी मत जाओ, सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर देखो, मैं थाम लूंगा। अब थामना कैसा जब गिराया ही तुमने।